नाश्ता और बाकी रस्में तो आप फरसूदा हो चुकी हैं। बेटी ले जाने वाली रस्म अगर आप कहते हैं तो यही निभा लेते हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आपकी बेटी है, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आई अभी तो बाहर आ जाते, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है। असद और रूमी के लिए जो हारिस ने सरप्राइज प्लान किया था उनको इतना पसंद आया है। असद? हाँ असद, उसका रूमी के बिना दिल नहीं लग रहा था तो वो भी आ गया। रूमी से बात हुई तुम्हारी? खुश तो है ना वो? क्या मतलब खुश तो है? बहुत खुश है वो। असल काफी तारीफें कर रही थी असद और उसकी फैमिली की। पता नहीं हम ना, लेकिन मुझे फहमीदा आंटी की बात ठीक नहीं लगी। और नाश्ते वाली बात मजाक नहीं थी, तंज था। और लोगों के लहजों को परखना, भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी खुशफहमी है। असल कभी कभी किसी के मुतालिक हद से ज्यादा सोचना हमारे दिलों में वहम और वसवसे पैदा करता है। कुछ वक्त के लिए रूमी को अपने दिलो दिमाग से निकालें, सब कुछ ठीक लगेगा। अम्मा बहन है वो मेरी, कुछ वक्त के लिए तो क्या, रूमी की फिक्र से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हो सकता मैं, और ना ही किसी और को होने दूंगा। क्या मतलब? मुझे किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं करनी। जाओ यहां से।